अभी एट स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट फॉर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या क्या करने की सबसे ज्यादा ज़रूरत है ताकि आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से यू you नो know, दे पाओ एंड लास्ट में आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप उनसे पूछ सकते हो आई एल क्लियर द डाउट रियल टाइम ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बिटवीन दैर आई हैव आप उसको एक कॉमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो एंड आई हेल्प यू आउट एंसर दो क्वेश्चन सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ

दो घंटे की पेपर है हर क्वेश्चन कैरीज थ्री मार्क्स अपार्ट फ्रॉम जीके सेक्शन क्योंकि जीके सेक्शन में आपके एवरी क्वेश्चन में 1.5 मार्क्स करके आते हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ एंड बिफोर आई इवन टॉक अबाउट कट ऑफ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग क्या आपको पता है फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई का कट ऑफ वन हुआ और आपने अराउंड ट्वेंटी मार्क्स या ट्वेंटी टू मार्क्स ज्यादा लेके आते हो यू आर चांसेस ऑफ क्लियरिंग आई एफ टी डेली इंटरव्यू प्रोसेस बिकम्स वेरी वेरी हाई नाउ वॉट इज द रीजन फॉर दैट जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है उसमें आई एफ टी का स्कोर का जो वेटेज होता है दैट्स रियली वेरी हाई सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप ओवरऑल कट ऑफ ऑब्वियसली क्लियर करो बट आप उससे थोड़ा सा आगे जाओ क्योंकि वो क्या करेगा इट ले हेल्प यू यू नो विद एडमिशन्स एंड ऑल ऑफ दैट प्रोसेस सो दैट इज़ वन वेरी इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई गोइंग टू टेल यू ओवरऑल कट ऑफ लास्ट टू ईयर्स अगर हम देखें वन वर्स ट्वेंटी ट्वेंटी में वन थर्टी एट था ट्वेंटी ट्वेंटी वन में वन ट्वेंटी फाइव था अगर लेट से पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इट बइट गो अराउंड वन टेन एज वेल और अगर पेपर लेट से बहुत ज़्यादा ईजी हो गया वो अराउंड वन फिफ्टी तक भी पहुँच सकता है सो कम्प्लीटली डिपेंड करता है पेपर के लेवल ऑफ डिफिकल्टी के ऊपर तो ऐसे मत सोचना कि यार मुझको यू नो एग्जाम से पहले ऐसे मत सोचना कि आई ओनली हैव टू गो एंड ब्रिंग वन ट्वेंटी फाइव मार्क्स और वन थर्टी एट मार्क्स वॉट अदर थिंग इज इम्पॉर्टेंट आपको ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर करना ही है आपको सारे के सारे चार सेक्शंस के कट ऑफ भी क्लियर करने हैं और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सर मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था आई हैव क्लियर थ्री कट ऑफ जी में रह गया या फिर लेते डी आई एल आर में रह गया वो दैट इज़ वन थिंग जो मतलब यू नो इट्स वेरी अपसेटिंग टू स्टूडेंट्स राइट वो आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स एंड एक कट ऑफ के लिए उनका पूरा एग्जाम ही यू uh, नो you know, रह जाए सो बेसिकली वॉट नीड्स टू बी डन इज़ यू हैव टू मेक श्योर यू क्लियर ओवरऑल कट ऑफ यू हैव टू मेक श्योर चारों के चारों के सेक्शंस के जो कट ऑफ्स हैं वो भी आप क्लियर करो दैट मीन्स फोर सेक्शंस में आपको इक्वली इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम अगर आप कोई भी सेक्शन नेग्लेक्ट करते हो यू वोट भी एबल टू राइट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा यू नो यहाँ पे एक पॉइंट होता है विच इज़ यू नो जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ होता है टू परसेंट लेसर दे ऑल्सो हैव स्लाइटली मोर एडवांटेज इन द इंटरव्यू प्रोसेस सो इफ यूर अ फीमेल कैंडिडेट यू स्टार्ट ऑफ विथ अ लिटिल बिट हेड स्टार्ट बट यूज दैट हेड स्टार्ट टू योर एडवांटेज यू वुड मेक श्योर दैट यू लैंड अप इन द टॉप टू यू नो कैम्पिस फाइव डी और नाउ दैट वी अंडरस्टैंड कि सेक्शन एंड मिनिमम कट ऑफ क्या होता है लेट्स मूव अड टू क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एंड इनके साथ साथ आई ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आप क्वेश्चन को कैसे टारगेट करोगे कौन से वाले क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करके आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे एंड कौन से वाले क्वेश्चन थोड़े से ईजी रहते हैं सो so स्टार्ट करते हैं वर्बल सेक्शन पे ना वर्बल सेक्शन हैज टू पार्ट्स रीडिंग वर्बल एबिलिटी ना वैन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स यू नो मैं उतना अच्छा नहीं था वर्बलेबिलिटी में बट मैं आर सी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर एवरी इंजीनियर हुज़ वॉचिंग दिस वीडियो एंड जिन जो सोचते हैं कि यार वर्बल थोड़ा सा वीक है उनके लिए मैं बता दूँ आई एफ टी में पेपर पैटर्न ही ऐसा होता है अगर आपकी आर सी स्ट्रांग हो आप अगर आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रॉन्ग होती है तो आप आर सी से बहुत तगड़े मार्क्स निकाल सकते हो यू वुड टिपिकली गेट फोर आर सी एंड एवरी आर सी वुड कंटेन फोर और फाइव क्वेश्चन सो आपके पास सिक्सटीन टू एटीन क्वेश्चन है आप ऐसे म उनके चलो उन 16 टू 18 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से करते हो एंड माइंड यू ये कैट वाले आरसीज नहीं होते जहां पे आपको इन्फरेंस बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा नन ऑफ दैट फैक्चुअल आरसीज होते हैं बट थोड़े लेंदी आरसी होते हैं सो so, आप इसको कैसे प्रिपेयर करोगे नो अगर फैक्चुअल और लेंदी हैं फॉर यू इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पैसिव नोट मेकिंग तो आप जब भी आर सी पर हो अगर आपको नोट मेक करना है आप नोट मेक करते चलो या दैट्स वन स्ट्रैटेजी दी अदर स्ट्रैटेजी इज आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर आर सी पे आओ देखो कहाँ से क्वेश्चन उठाए वहाँ से आंसर करो बट कोई भी स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करो यू हैव टू मेक श्योर आर सी को ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट अटेम्प्ट करना है मैंने भी जब एग्जाम दिया था मेरा वर्बल एबिलिटी मैंने आप, आपको बोला कि उतना अच्छा नहीं था बट आर मेरा टारगेट था कि यार कुछ भी हो जाए आर में मुझको बहुत सारे मार्क्स निकालने हैं ठीक है सो दैट इज़ योर प्राइमरी टारगेट लेट्स नाउ कम टू द अदर पार्ट्स आपको सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस मिल सकते हैं यू नो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सिनोनिम एंटनम्स मिल सकते हैं यू वुड गेट वर्ड्स जहाँ से पूछ सकते हैं कि यू नो वेयर इज द ऑरिजिन ऑफ दिस वर्ड्स एंड दे आर वेरी डिफ़िकल्ट वर्ड्स वट आई हैव सीन टिपिकली विथ पीपल प्रिपेयरिंग फॉर आई एफ डीज़ वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वो कैब पे देखो वो कैब इज़ समथिंग जो एक रात में तो नहीं हो सकती आपको उसके लिए प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा अगर आपका वोकैब वीक है स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ नवंबर अब वोकैब पर ज़्यादा फोकस मत करो अब दूसरे चीज़ों पे फोकस करो ग्रामर पे फ़ोकस करो ईडीएम्स पे फोकस करो पैरा पैरा समरीज इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो दे विल गिव यू मोर मार्क्स दैन वोकैब क्वेश्चन क्योंकि वोकैब वाले जो क्वेश्चन होते हैं टिपिकली थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं आई विल गिव यू माई अंडरस्टैंडिंग और मेरा एक्सपीरियंस का एक छोटा सा एग्जाम्पल जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था स तीन क्वेश्चन थे या चार क्वेश्चन थे वो कैप के चार चार ऑप्शन होते थे सोलह टोटल ऑफ सिक्सटीन वर्ड्स इतने ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स की सिक्सटीन में से ट्वेल्व वर्ड्स वेर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वॉट डू द इवन मीन राइट सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू यू नीड टू मेक श्योर कि आप वो कैप पर ज्यादा मत जाओ राइट स्टूव इज आस्किंग ग्रामर में एग्जैक्टली क्या करूँ देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब्जेक्ट वर्ब पढ़ो आप टेंसेस पढ़ो दे बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट उनसे क्वेश्चन बेस करके आते हैं सो दे आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वुड सजेस्ट यू यू प्रिपेयर फॉर आई एफ टी दिस इज फॉर आर सी एंड एबिलिटी, लेट्स मूव हेड एंड अगेन दिस इज जस्ट एन आइडिया ऑफ आपको कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं क्या अटैम्प्ट करना है कैसे अटैम्प्ट करना है कितना टाइम लेके अटैम्प्ट करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा गिव मी लाइक अनादर फाइव टू टेन मिनट्स मैं आप लोगों को जस्ट एक आइडिया दे दूँ एल पे कैसे टाइप के क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है देन कम टू कॉन्ट ठीक है अब आते हैं लॉजिकल रीजनिंग जो है एल आर एंड देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट डी आई नाव द पॉइंट ओवर एल आर डी आई इज आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि हमेशा दिस इज बीन आई का एक यू you नो know, uh, वन पिलर जो आपको हमेशा दिखेगा एल आर और डी आई में से एक डिफ़िकल्ट एक ईजी टिपिकली वो ऑल्टरनेटली चेंज होता रहता है लास्ट ईयर अगर एल आर आसान आए तो इस, year, इस साल एल आर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा लास्ट ईयर अगर डी आई डिफिकल्ट है इस ईयर एल आर डी आई थोड़ा सा <coughs> आसान होने का चांस है सो so, ऐसे ठीक है सो वॉट एवर यू हैव लास्ट ईयर उसका ऑपोजिट रिएक्शन इस बार के पेपर में देखने को मिलता है <coughs> अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है आपको ये जानना पड़ेगा कि डिफ़िकल्ट कौन सा सेक्शन है ईजी कौन सा सेक्शन है आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार मैं डीआई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग हूँ बट डीआई का सेक्शन बहुत डिफिकल्ट है आई अटैम्प्ट दैट पेपर आई एल अटेम्प्ट मोर क्वेश्चन अगर आप ये गलती से भी करते हो अगर ये आपने ईगो पे ले लिया आप टाइम वेस्ट करोगे आप बहुत सारे क्वेश्चन पे गलत आंसर्स करोगे क्योंकि टिपिकली वॉट इज सीन इज जो भी डिफिकल्ट सेक्शन होते हैं उनके क्वेश्चन के कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है सो so, अगर आपने कोई ऐसा सेट चूज़ कर लिया जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो एंड बाय द टाइम यू एंड अप लाइक सिक्स सेवन मिनट्स इन टू दैट सेट आपको लगे यार ये तो निकल ही नहीं रहा है दैट एंटायर पीरियड ऑफ सिक्स सेवन मिनट्स इज गॉन सो ईगो वाली बात आई के एग्जाम पे आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो पहली चीज़ मैंने क्या बताई एल आर और डी में से कौन सा इजी सेक्शन है वो आपको जानना है सेकेंड चीज़ है ईगो पे कोई क्वेश्चन नहीं लेना है आपको सिर्फ देखना है कि यार मेरा स्ट्रेंथ क्या है क्वेश्चन पेपर में इजी क्वेश्चंस कौन से हैं उसको टारगेट करने हैं बट सर कैसे टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ देखो मेरे हिसाब से सब इंसान का एवरी पीपल यू नो एवरी पर्सन हैज अ स्ट्रेंथ एंड एंड देयर वीकनेसेस आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ कैसी है जैसे फॉर मी ब्लड रिलेशन इज स्ट्रेंथ क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स इज अ स्ट्रेंथ डायरेक्शन सेंस इज़ अ स्ट्रेंथ राइट अरेंजमेंट्स वॉज अ स्ट्रेंथ तो मैं देखता था कि अच्छा चलो एल आर अगर ईजी है तो एल आर के ये वाले क्वेश्चन मुझको पहले पिक करने हैं सो क्वेश्चन पिकिंग बिकम्स सो वेरी इंपॉर्टेंट राइट अब कोई भी एग्जाम ले लो डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट नहीं होते है. क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट नहीं होते अगर आपके बेस स्ट्रॉन्ग हैं देन इन सारे क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए वर्सेज लेट्स आप ग्रुपिंग एंड सिलेक्शन पे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो या फिर सर्कुलर अरेंजमेंट पे आप उतना स्ट्रांग नहीं हो आपने देखा एक लंबा सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है पहला ही क्वेश्चन वो है और टिपिकली लोग ऐसे ही करते हैं जब आपको यू नो दबोचना चाहते हैं ना अपने जहां से में क्या करते हैं पहले वाला क्वेश्चन ही डिफिकल्ट दे देते हैं इट हैज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि यार दिस इज अ ट्रैप वो आइडेंटिफाई करना ही आपके लिए बहुत बड़ी यू नो चैलेंज है इफ़ यू आइडेंटिफाई कि नहीं क्वेश्चन वन है इसका मतलब ये नहीं कि अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा इसको छोड़ के निकल के आगे चलते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू सो ईगो पे कोई भी क्वेश्चन नहीं लेना है कोई भी ट्रैप पे अपना कदम नहीं फंसाना है ठीक है सो वॉट डू आई मीन बाय दिस लेट्स यू आर स्ट्रॉग एंड लिनियर अरेंजमेंट आपको एक लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखा अब क्वेश्चन थोड़ा सा यू नो स्कैन कर लो देखो ये बनेगा कि नहीं अगर बनता है कितना टाइम लगेगा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ये आइडिया तो अब तक हो ही चाहिए राइट right? कि कौन सा बनने में कितना लगना चाहिए मैंने बहुत बार इतने लोगों को देखा यार जो अच्छे अच्छे बंदे होते हैं हु आर रियली गुड एट सॉल्विंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस बट वो फंस जाते हैं क्यों उन्होंने देखा कि चलो लीनियर अरेंजमेंट है मुझे तो लीनियर अरेंजमेंट आता है निकाल लेंगे बट बाद में जाके पता चलता है यार ये तो बहुत क्वेश्चन डिफिकल्ट था इसको लेना ही नहीं चाहिए था दैट इज़ समथिंग आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ यू टू यू नो गेट इन तो आपको क्वेश्चन स्कैन करना है एल और डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन स्कैन करना अगर आप नहीं करते हो आप फंस जाओगे वही नहीं करना है ठीक है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक तो क्वेश्चंस आपके गेम्स एंड टूर्नामेंट से भी आ जाते हैं बट नॉट द डिफिकल्ट वंस जो आप कैट के लिए या जैट के लिए प्रिपेयर करते हो ये वाले क्वेश्चंस ऑफ़ गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आर फेयरली अ लिटिल बिट ईजियर सो वो भी आप देख सकते हो ठीक है सो दिस गिव्स यू एन आइडिया ऑफ लॉजिकल रीजनिंग आपको कैसे अटैम्प्ट करना है सिमिलरली फॉर डी अगर आपको दिखता है कि कोई डी वाले क्वेश्चन में चार पाई पा, पाई चार्ट हैं उस पर वो दिख जाएगा आपको कि यार बहुत ज़्यादा कोरिलेशन निकालना पड़ेगा डेटा निकालना पड़ेगा आई के डी सेट्स में आपको अगर डेटा कैलकुलेशन करना पड़े इट्स अ इट्स अ चैलेंजिंग टास्क क्योंकि उनके ऑप्शंस भी बहुत क्लोज होते हैं उनके नंबर्स भी बहुत गंदे होते हैं तो आपको उतना ईजिली नहीं निकाल पाओगे आप सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सा सेट पिक करना है कौन से सेट में क्या देख के मुझको सेट पिक करना है एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ डी में

चारों के चारों ऑप्शन में डिफरेंट है नाउ फॉर यू यू डोंट हैव टू सॉल्व दैट एंटायर क्वेश्चन आपको सारे नंबर्स ऐड नहीं करने हैं उस क्वेश्चन में ताकि आपको यह जानना पड़े ताकि आपको यह मार्क करना पड़े कि इसका राइट right आंसर क्या है आप ये देखो कि अगर मैं सारे लास्ट डिजिट्स ऐड कर करूं तो मैं इसको कैसे रिलेट कर पाऊँ आंसर की तरफ दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स बिकम बिग डिफरेंसेज बिटवीन यू विल गेट सिलेक्टेड वर्सेज सम वन हुई माइट नॉट गेट सिलेक्टेड ये छोटी छोटी चीजें बट ये छोटी छोटी चीजें को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये एग्जाम के दिन डायरेक्टली आप नहीं कर पाओगे सो आप अब से जो भी डीआई सेट कर रहे हो एलआर के अरेंजमेंट कर रहे हो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा दिस इज अबाउट लॉजिकल रीजनिंग लेट्स मूव हेड इन टू क्वानिटिटिव आप के लिए एंड बहुत इंटरेस्टिंग एरिया आपके लिए भी है तो मैंने क्यों बोला ऐसा अगर आप इनके लेंदी क्वेश्चन में फंस गए योर टाइम इज डन आप चार मिनट एक्सपेंड कर दोगे तीन मिनट एक्सपेंड कर दोगे आप निकाल नहीं पाओगे क्वेश्चन सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कौन से क्वेश्चन पिक करने हैं एंड आई टेल यू क्वेश्चन मेजरली कहाँ से आते हैं एरिथमेटिक बहुत हैवी होता है एफ के पेपर में सो रेशो प्रपोर्शन हो गया आपका परसेंटेज हो गया टी हो गया टाइम इन वर्क हो गया दीज चैप्टर्स वुड फेच यू गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न इनको बहुत अच्छे से करना है ठीक है इंपॉर्टेंट देर आर ऑल्सो अदर चैप्टर्स फॉर एग्जाम्पल जोमेट्री से कुछ कुछ आता है लॉग से दो तीन क्वेश्चन आते हैं हमेशा आते हैं नंबर सिस्टम से एक दो क्वेश्चन आपको आएगा पी एन प्रोबेबिलिटी से दो तीन हमेशा क्वेश्चन आपको आएंगे फंक्शन के एक क्वेश्चन आपको दिखने को मिल सकती है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट सो आपको ये जानना है कि आपको क्वांट पेपर कैसे टारगेट करना है प्रॉब्लम यह है कि आई का जो क्वांट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना देर टिपिकली अ लिटिल बिट लेंद आपको पढ़ के लगेगा यार ये आर सी दिखा है क्या मुझको लगा था जब मैं एग्जाम दे रहा था दे वॉज अ जोमेट्रिक क्वेश्चन ऑलमोस्ट अराउंड सेवन लाइंस द पॉइंट इज इफ़ यू सी दैट सेवन लाइन क्वेश्चन हमेशा आपको लगेगा यार इसको पढ़ने में ही मैं दो मिनट वेस्ट कर दूँगा बट कुछ कुछ वो सेवन लाइनर क्वेस्चन्स में द कैलकुलेशंस द लॉजिक इज वेरी वेरी ईजी आपको पढ़ने के बाद ये लगेगा कि यार ये क्वेश्चन अगर पढ़ लिया थर्टी सेकेंड में मैं सॉल्व कर लूँगा वो जो प्रैक्टिस है वो आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है कैसे करोगे मैं बताऊँगा इन अनादर टू टू थ्री मिनट्स सो so, अभी वॉट यूनिट टू फोकस इज कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे मुझको फोकस करना पड़ेगा आई का एक और जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझको पर्सनली लगता है वो है क्वेश्चन टाइप्स थोड़े से सिमिलर हैं आई डोंट नो अगर आपने बहुत सारे पास्ट या पेपर सॉल्व करे होंगे कि नहीं बट एक क्वेश्चन होता है वेर यू यू नो ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सर्टन हाइट वो जम्प करता है एंड इट के यू नो गो टू रेस्ट वो एक इन्फाइनेट यू नो जोमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है दैट इज़ वेरी कॉमन वो बहुत बार आई के पेपर में दिखा है उसका एक बहुत आसान सा शॉर्टकट है मैं जो अगले वाले सेशन्स लूँगा क्वेंट के उसमें दिखाऊँगा कि वैसे टाइप के जो बहुत कॉमन वाले क्वेश्चन है उसको आप कैसे निकालोगे ठीक है बट अभी के लिए अंडरस्टैंड कहाँ पर फोकस करना है कैसे टाइप के क्वेश्चन पर फोकस करना है? तो मैंने आप लोग को ये बताया दैट कुछ कुछ क्वेश्चन आई में जो है आर वेरी लेंदी इन नेचर देर आर ऑल्सो दीज क्वेश्चन हाफ लाइनर्स आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आइडेंटिफाई कैसे करोगे देखो हमेशा दो तरीके के एग्जाम टेकरस होते हैं ठीक <clears throat> है कैसे आप क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करके सारे के सारे सॉल्व करते करते क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव तक पहुँचोगे दैट इज सेट नंबर वन पीपल जो दूसरे सेट के पीपल होते हैं वो क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर वन देखा उन्होंने <clears throat> अच्छा ईजी है डिफ़िकल्ट है डिफ़िकल्ट है छोड़ दिया ईजी है. है करके निकल जाओ क्वेश्चन नंबर टू डिफ़िकल्ट है लीव थ्री डिफिकल्ट है लीव फोर ईजी है चलो इसको कर लेते हैं द सेकेंड टाइप ऑफ पीपल जो ये करते हैं ना कि कौन सा आसान है कौन सा डिफिकल्ट है उसके बाद ही मुझको क्वेश्चन में घुसना है यही एग्जाम निकालेंगे अगर आप फंस जाते हो इस पर कि यार मैं वन सॉल्व करूँगा टू सॉल्व करूँगा थ्री सॉल्व करूँगा फोर सॉल्व करूँगा आप थोड़े से अटक जाओगे ह्यूमन <coughs> टेंडेंसी की एक बात बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर वन देखा आप उसको सॉल्व करने की ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर टू देखोगे थ्री देखोगे ये आई में जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसको भी पता है कि नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि वन टू थ्री फोर ऐसे करके आएगा तो जो ईजियर क्वेश्चन होते हैं टिपिकली टुवर्ड्स एंड रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि यार एंड तक तो बहुत लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे उसका फ़ायदा उठाना है कभी भी कोई भी क्वेश्चन पे यू कैन नॉट गेट स्टक कि नहीं यार इसको इस पर स्टक हो जाते हैं इस पर चार मिनट वेस्ट कभी नहीं करना है चार मिनट वेस्ट तभी करो जब आपको लगता है कि हाँ क्वेश्चन निकल जाए नहीं तो चार मिनट वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है कोई और तीन मार्क्स आपके आपसे लेके चला जाएगा उस टाइम पर ठीक है सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कौन से वाले क्वेश्चन टारगेट करने हैं कौन से वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं ईगो पे नहीं लेना है एल में भी मैंने यही चीज़ बोला था और आपको ये देखना है वन लाइनर्स क्वेश्चन में से कौन से वाले ईजी हैं उनको अटैम्प्ट करके निकल जाना ठीक है अभी मैं आपको तो अब तक मैंने आपको पूरा बताया कि यार आप कैसे कौन से वाले टॉपिक्स पे अभी फोकस करोगे बट एग्ज़ाम पे क्या करना है आपको राइट दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो चल गेट टू द पॉइंट ऑफ एग्जाम पे आपको क्या करना है आप उस दो घंटे में आप कैसे एग्ज़ाम दो ताकि कट ऑफ तो क्लियर हो ही सारे के सारे उससे ट्वेंटी मार्क्स यू नो फिफ्टीन परसेंट एक्स्ट्रा मैं मिल मुझे मिल जाए ताकि दिल्ली का जो चांस है क्वालिफाई करने का एडमिट मिलने का वो बहुत आसान हो जाए मेरे लिए <coughs> उस पर आऊँगा अनुज ने एक छोटा सा गलती कर दिया बेटा एम प्लस एन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन नहीं होता जो फॉर्मूला होता है वो ऑब्जेक्ट ड्रॉप करने का वो ये होता है कि जो भी आपका इनिशियल डिस्टेंस है उससे आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है है ना अगर इनिशियल डिस्टेंस आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे इट माइट बिकम अ प्रॉब्लम यू विल नॉट रीच योर फाइनल आंसर सो अनुज भाई वो ज़रूर याद रखना चलो अब आते हैं एग्जाम पे हम लोग क्या करेंगे दो घंटे की एग्जाम है इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक श्योर कि आप स्ट्रैटेजी अपना पूरा तगड़ा बना के जाओ मैं बहुत सारे ऐसे यू नो स्टूडेंट्स को एस्पिरेंट्स को देखा हूँ जिनका बहुत स्ट्रोंग है एकेडमिक्स, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है बट आईएफटी नहीं निकाल पाए ठीक है यू हैव टू अंडरस्टैंड सारे के सारे एग्जाम्स बहुत डिफरेंट है कैट एक डिफरेंट एग्जाम है आई एक डिफरेंट एग्जाम है स्नैप एक अलग एग्जाम है जैट एक अलग एग्जाम है यू नो ऑल ऑफ़ दीज एग्जाम्स आर वेरी डिफरेंट एग्जाम्स सारे के सारे एग्जाम्स के लिए एक स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी यू नीड टू हैव पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज़ फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम अगर मैं आई की बात करूँ आई वुड ऑलवेज से स्टार्ट विथ योर स्ट्रोंगेस्ट सेक्शन मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो हमेशा अपने अपना जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर फोकस करता हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे क्रिकेट अच्छे से खेलना आता है और अगर मुझको आप मैच में भेज दोगे नहीं तो नहीं दस पंद्रह रन तो मारी दूंगा बट अगर मैं फुटबॉल खेलने चला जाऊँ एक भी गोल स्कोर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे आता नहीं है खेलना आप कितना भी मुझको दो हफ्ते का ट्रेनिंग नहीं दे दो तो। ठीक है सो so, स्ट्रेंथ पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है अगर आपकी स्ट्रेंथ आरसी है खुआट है एल आर डी आई में से कोई एक है उस पर फोकस करो बट ईगो को साइड पे रखे क्यों मैंने बोला ये बात लेट्स से आपकी एल आर स्ट्रांग है बट एल आर का जो पेपर है इस बार वो डिफिकल्ट आ गया आप उसको दिल पे नहीं ले सकते मूव आउट ऑफ इट अंडरस्टैंड दैट देर आर अदर एरियाज ऑफ स्कोरिंग फोकस ऑन देम अगर आप फंस गए ईगो पे ना ये एग्जाम आपसे नहीं निकलने वाला दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट ठीक है सो फर्स्ट सेक्शन जो मैं फोकस करता हूँ वो हमेशा मेरा स्ट्रोंगेस्ट सेक्शन रहता है मेरा हमेशा से स्ट्रोंगेस्ट रहा है क्वान्ट तो मैं क्वान्ट से स्टार्ट करता हूँ अच्छा आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द पीपल हु टक द पेपर टेस्ट राइट जो पेपर टेस्ट था आई गेस सेकेंड लास्ट ब्रांच होगा तो वो वाला लिया था उसमें तो थोड़ा ईजी होता है इसमें भी ईजी है अगर कोई बोलता है कि नहीं ईजी नहीं है अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन से स्टार्ट करना प्लीज़ डो नॉट लिसन टू दैम फोकस ऑन वॉट यू नीड टू डू ठीक है सो स्ट्रोंग सेक्शन से स्टार्ट करना है देन यू नीड टू मूव ऑन द टारगेटेड सेक्शन ना टारगेटेड सेक्शंस का मतलब क्या है अगर आपका स्ट्रेंथ हुआ क्वॉन्ट आप कौन से स्ट्रॉ स्टार्ट करोगे आपको मैंने ये बताया कि आर सी इज एन एरिया जहां पर आप स्कोर बहुत अच्छे से इंक्रीज कर सकते हो सो आर सी आपका बन गया टारगेटेड सेक्शन ईजी सेक्शन का क्या मतलब है एल आर और डी आई में से कोई एक ईजी सेक्शन है उसको पिक करना है उसके उसमें से जितने भी ज्यादा क्वेश्चन हो सके निकाल लेने हैं दैट इज योर सेकेंड स्कोर एनहेंसर ये तीन यू नो सूट्स अगर आप कर लोगे ना आपका आर सी निकल गया वर्बल के कोई क्वेश्चन निकल गए क्वांट निकल गया एल आर और डी आई में से निकल गया सो so आपका जो मेजर चंक है वो निकल जाएगा बट आई एफ टी आपको कहाँ पर दबोचता है कट ऑफ्स पे लेट्स से जी के आपको उतना अच्छे से नहीं आता एल आर आपको उतने अच्छे से नहीं आता या कुछ भी हो यू हैव टू मेक श्योर आप कट ऑफ जरूर क्लियर करो ठीक है सो so, इसके बाद यू हैव टू मूव ऑन टू दी अदर सेक्शंस जो आपका हो गया ले आपने एल आर करा ही नहीं ना एल आर डी आई का तो कंबाइंड कट ऑफ है नॉट अ प्रॉब्लम बट एल आर के कुछ कुछ क्वेश्चन तो ईजी रहेंगे ना आपको पूरा सेट सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन नंबर टू सेट नंबर टू का क्वेश्चन नंबर थ्री माईट बी ईजियर फॉर यू उसको आप यू you नो know, बहुत आसानी से निकाल सकते हो सो दैट इज समथिंग आई वुड वॉन्ट टू डू एक डी आई सेट है डी आई सेट में एक क्वेश्चन है वॉट इज द सम टोटल ऑफ दीज थ्री नंबर्स आप क्यों नहीं निकालोगे सेट डिफिकल्ट है क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन में आपको पाँच छः यू नो मल्टीप्लाई डिविजन क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है बट इस क्वेश्चन में तो नहीं सो लुकिंग एट एवरी क्वेश्चन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट वो जो तीन 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 करके आप दस जगह से वो तीस नंबर बट बत, बटोरोगे ना वो आपके स्कोर को बहुत ऊपर लिफ्ट कर देगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फाइनली नेवर एवर आई रिपीट नेवर एवर जीके को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो आई हैव सीन सो मैनी पीपल आराम से कट ऑफ क्लियर कर लिए जीके नहीं कर पाए दैट इज वन एरिया आई वुड वॉन्ट यू टू फोकस तो क्या करना है सर जीके में क्या पढ़ाई करूँ हमेशा ये क्वेश्चन तो आता ही है कि आई का अगर जीके निकालना है मैं जीके में पढ़ूँ क्या देखो कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चन उनको उनको बहुत प्यारा लिखते हैं राइट right? एक हो गया आपका ब्रांड्स वाले हो गए लोगोस वाले हो गए यू गेट क्वेश्चन अराउंड इन इंटरनेशनल बिजनेसिस राइट जो भी आपका चल रहा है इन द लास्ट वन टू ईयर्स उसके अराउंड क्वेश्चन हो सकते हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट यू न्यू यू टारगेट दस अनादर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज़ अराउंड आपका ऑथर्स एंड एंड स्पोर्ट्स अवार्ड्स राइट सो अवार्ड्स पे भी एक दो क्वेश्चन निकलते हैं सो दीज आर द क्वेश्चन जहाँ पे आप फोकस करो ज्यादा मत यू नो यू हैव टू एक्सपेंड टाइम अगर आपको नहीं पता दिस इज़ ऑल्सो वन एरिया जहाँ पे यू डोंट हू वॉन्ट टू गेट नेगेटिव मार्किंग क्यों बता रहा हूँ लेट्स ए पांच मार्क का कट ऑफ है या छः मार्क का कट ऑफ है ठीक है डेढ़ मार्क मिलता है एवरी क्वेश्चन में आपने चार क्वेश्चन मार्क कर दिया आपको लगा यार ये भी थोड़ा सा आसान सा ही लग रहा है इसमें से या इसमें से कुछ तो एक होना चाहिए आपने मार्क कर दिया गलती से गलत निकल गया अब क्या हुआ चार क्वेश्चन आपने सही आंसर किए थे सिक्स आपको मिल चुके थे ये गलत क्वेश्चन कर दिया माइनस जीरो पॉइंट फाइव हो गया फाइव पॉइंट फाइव पर अटक गए आप सारे सेक्शंस क्लियर करके जीके में अटक जाओगे दिस इज़ वन एरिया ज़्यादा टेंशन लो ज़्यादा रिस्क मतलब इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड उसके ऊपर आप यू uh, नो uh, you know, इसको फोकस करोगे अनुज का क्वेश्चन है सर स्टैटिक का वेटेज कहता कैसा रहता है देखो अनुज भाई इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द पेपर ठीक है टिपिकली लास्ट टू ईयर्स के ऊपर ही ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बनेंगे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन लास्ट टू ईयर्स के ऊपर से बनेंगे बट लोगो तो नहीं बन सकते ना ब्रांड्स नहीं बन सकते सो so, वो वाले क्वेश्चन आपका स्टेटिक स्टैटिक हो जाएगा बाकी सारा कुछ रिसेंट रिसेंसी के ऊपर ही आपका बनेगा ठीक है और राइट ये चार हो गया लास्ट इसमें इसके बाद थोड़ा सा टाइम और बचेगा उसमें से क्वॉन्ड में आपको लगा कि यार ये दो क्वेश्चन मैं निकाल सकता था वर्बल में आपको लगा कि यार ये दो पैराजल्स मैं निकाल सकता हूँ या एक पैरा पैरासमरिया मैं निकाल सकता हूँ एक ग्रामर का क्वेश्चन है डीआई में आपको लगा यार इस सेट में दस मिनट लगेंगे मैं निकाल लूंगा आराम से दस मिनट में ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लास्ट में आते हैं तो देखो पाँच यू नो सेगमेंट्स पे आपको एग्जाम देना है अगर आपने ये सोच लिया कि यार 20 मिनट लगा के या 30 मिनट लगा के पूरा क्वांट खत्म कर दूंगा एक घंटा लगा के एलआरटीआई पूरा खत्म कर दूंगा अनादर फोर्टी मिनट्स लगा के वर्बल खत्म कर दूंगा वेरी रॉन्ग यू नो एटीट्यूड एंड स्ट्रैटेजी आप ये नहीं बोल रहा कि निकलेगा नहीं बट वो स्ट्रैटेजी उतना अच्छा नहीं है इट्स नॉट अप टू पार रेयर केसेस होंगे निकल भी जाएगा एग्जाम बट आप हमेशा यू वुड लूज दैट चांस ऑफ स्कोरिंग मोर दैट यू कुड हैव राइट सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड तो क्या करना पड़ेगा पहले के तीन सेक्शंस जो मैंने मेंशन किए हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्वेश्चन टाइम योर सेल्फ कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार 50% परसेंट क्वेश्चन मुझको जो अटेंड करने थे से मुझको कट ऑफ क्लियर करने के लिए फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल पचास क्वेश्चन निकालने मैंने एक घंटा वेस्ट कर दिया सिर्फ पंद्रह क्वेश्चन निकाले वो कतई नहीं होना चाहिए सो टाइम वर्सेज अटम्प्ट का जो ग्राफ होगा दैट हैज टू बी अर ग्राफ इट हैज बी एंड पुअर्ड लीनियर ग्राफ आई शुड से वो कभी आपका ऊपर नीचे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए यू नीड टू मैनेज टाइम वेरी वेरी वेल ठीक है दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू नाउ सब कुछ समझ गए टाइम कैसे एक्सपेंड करने समझ गए आज उनतीस तारीख हो रहा है यू हैव टिपिकली समर थ्री वीक्स फॉर द एग्जाम तो आप कैसे दोगे आप एग्जाम को एग्जाम तक आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए आपको क्या पढ़ना चाहिए वॉट शुड यू फोकस ऑन लेट्स कम टू दैट सो वट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप्स फ्रॉम डे टू डे मुझको बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर तीन हफ्ता जान दे दूंगा आई एफ निकलेगा इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर फोकस एंड नॉट ओनली फोकस देखो हार्डवर्क इज़ देयर बट यू ऑल्सो हैव टू बी स्ट्रेटेजिक आई एफ इज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिक एग्जाम बहुत अच्छे मैनेजर्स निकलते हैं कॉलेज से सो so आपको ये फोकस करना पड़ेगा कि आप कैसे पढ़ो ऑब्वियसली एक्सपेंड टाइम बट हाउ टू एक्सपेंड दैट टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तीन एरियाज ऑफ फोकस हैं ऑब्वियसली चार सेक्शंस में जीके को अब हटा दो तो तीन सेक्शन बचते हैं बट थोड़ा सा और इस पर डीप डाइव करते हैं क्वांट में सब कुछ मत पढ़ो जैसा मैंने बताया प्लीज गो अराउंड दोज चैप्टर्स एल और डीआई पे फोकस दोनों पे होनी चाहिए एग्जाम पे फोकस एक पे होगी अगर डिफिकल्ट रहा दूसरा तो ऐसे भी केस हो सकते हैं कि जब बोथ एल आर एंडिया इज ईजी इन दैट केस कट ऑफ इंक्रीज होगा आपके अटैम्प्ट भी इंक्रीज होने चाहिए एंड देन आर सी इज ऑल्सो वन एरिया वेर यू नीड टू फोकस इफ यू आर नॉट दैट स्ट्रांग इन वोकेबलरी अभी से स्टार्ट करके उतना ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा मेरी पर्सनल सजेशन है आप दूसरे चीज़ों पे आप अपना यू नो एफर्ट एक्सपेंड करो आप आर करो आप क्वांट के चैप्टर्स करो एल में कैलकुलेशन कितनी फास्ट हो सकती है उस पर फोकस करो ठीक है दैट इज़ प्राइमरी अच्छा ये मैं कर रहा हूँ इसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा मैं बोलूँगा एटलीस्ट चार पास्ट ईयर पेपर्स तो करो ही करो क्यों आर अगर आप टाइम करते हो पास्ट ईयर पेपर से यू वुड हैव एन आइडिया कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे निकालना होता है आपको टाइम कर पाओगे आप आर के ऊपर क्वांट में कौन से वाले क्वेश्चन जो लेंदी लगते हैं वो लेंदी होते नहीं कौन से वाले क्वेश्चन एल आर और डी में जो आसान होते हैं वो एक्चुअली में आसान होते नहीं ये सारा आइडिया आपको मिल जाएगा अगर आप लास्ट के चार साल के पेपर्स करो मेरी पर्सनल तीन पेपर्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो मेरे लिए बहुत मतलब इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज द क्वेश्चन वेर रियली वेरी वेरी इजी टू थाउजेंड सेवन टू थाउजेंड एट टू थाउजेंड फोर्टीन ये सारे अवेलेबल हैं आपके मार्केट में आप जाओ इन तीनों को ज़रूर सॉल्व करो बट जितने भी ज़्यादा पेपर्स आप सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर्स के उतने ही बेनिफिट में रहोगे ये मेरी पर्सनल गारंटी के सामने आप साथ में आप रख सकते हो लेट्स से पास्ट पेपर्स आप कर रहे हो उसके बाद क्या करोगे मॉक्स भी तो देने पड़ेंगे पास्ट पेपर्स आप क्वेश्चंस कभी कभी ऐसा होता है ना कि व्हेन यू आर सॉल्विंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस आपको दिख जाते हैं तो वो नेगेट करने के लिए आपको मॉक्स देने पड़ेंगे मैं हमेशा दो टाइप के मॉक्स यू नो आई आई प्रेफर एक जो आप रियल टाइम दो दो घंटे टाइमर्स के साथ दो दैट इज़ वन टाइप ऑफ मॉक द अदर टाइप ऑफ मॉक इज रिविजन मोड आप मॉक को एंड कर दो आप पूरे मॉक को अच्छे से इन डिटेल एवरी क्वेश्चन यू गो थ्रू

द पेपर सेटिंग देखो आई एफ टी एक ऐसा एग्जाम है बोलना तो नहीं चाहिए एन टी ए वाले मुझे मारेंगे बट एक ऐसा एग्जाम है अगर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत यू you नो know, तोड़ हो ना अगर आप एवरेज भी हो टॉपिक्स पे कुछ कुछ आप एग्जाम निकाल लोगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस योर स्ट्रैटेजी शुड बी टॉप नॉच इवन इफ योर प्रेपरेशन इज अराउंड टॉप नॉच लेवल यू विल बी एबल टू मेक श्योर दैट यू क्रैक दिस एग्जाम ठीक है काइंड ऑफ पैसिव मॉक एब्सोल्यूटली राइट जिन्हें दो घंटे एक्सपेंड करके पूरा मॉक ए टू जेड नहीं देना है आप मॉक को एंड कर दो चार घंटे लो सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल में एनालाइज करके सॉल्व करो हां बट रिवीजन मोड में भी अब जब दे रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन क्वेश्चन नंबर वन फिर क्वेश्चन नंबर टू फिर क्वेश्चन नंबर थ्री फिर क्वेश्चन नंबर फोर नहीं देखो एग्जाम के दिन कर लूँगा अभी के लिए अलग प्रिपरेशन ये नहीं चलता है एग्जाम के दिन जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सारे के सारे मॉक्स पे आपको वही स्ट्रैटेजी रेप्लीकेट करनी पड़ेगी जितना अच्छे से आप ये अभी के तीन हफ्ते में स्ट्रैटेजी अपना बनाओगे एग्जाम पे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा सो दिस इज़ द इनपुट दैट यू आर पुटिंग इन राइट नाउ दैट वुड बी योर आउटपुट आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार कि यार अभी तो कर लेता हूँ एग्जाम पर मैं मैनेज कर लूंगा टाइम किसी कुछ करके वो नहीं हो पाएगा सो रिविजन मोड पर भी आप अगर यू नो मौक दे रहे हो क्वेश्चन नंबर वन देख के आपको आपके पहले दिमाग में ये आना चाहिए सोल्व करूँ सॉल्व ना करूँ ईजी है डिफ़िकल्ट है अभी करूँ बात के लिए सेव करके रखूँ दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट राइट सो ये आपको रियल टाइम मॉक्स में भी करने पड़ेंगे रिविजन मोड वाले मॉक्स में भी करने पड़ेंगे एंड एक्चुअल एग्जाम पे भी करना पड़ेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज इसको डिनाई मत करना एल आर टी आई शुड बी गो टॉपिक वाइज और पास्ट ईयर पेपर्स वुड सफाइस आई आई विल टेक दिस क्वेश्चन जिन्हें थोड़े से टाइम पे ठीक है सो दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू कीप इन माइंड लास्टली बिफोर आई स्टार्ट टेकिंग योर क्वेश्चन अ फ्यू थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू रियाटर आर सीज ज योर बेस्ट फ्रेंड इवन इफ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इन वर्बल ये वाले आरसीज आपसे निकलेंगे ये भरोसा अपने ऊपर रखो प्रैक्टिस करो पास्ट ईयर पेपर से यू वुड गेट एन आइडिया ऑफ कैसे क्वेश्चन आते हैं वो वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो टाइम करो डू दैट ऑन रिपीटेड मोड यू विल बिकम स्ट्रांग टू क्लियर आई एफ टी के आरसीज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट सेकेंड यू नीड टू अंडरस्टैंड एल आर और डी आई में कौन सा ईजियर सेक्शन है फंसना नहीं है वहाँ पे अगर आप फंस गए क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पाओगे टाइम ज़्यादा लग जाएगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर देखते ही मैंने जब एग्जाम दिया था मैंने पेपर खोलते ही पहले देखा एल आर और डिफ डी आई में ईजियर क्वेश्चन कौन सा है ईजियर सेट कौन सा है जो भी ईजियर है मुझे पता चल गया दिमाग के पीछे मैंने रख दिया बाकी स्टार्ट करो अपने क्वांट से जैसे मैंने आपको बोला स्टार्ट विथ योर स्ट्रेंथ एंड देन डू द पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड इज क्वांट के कौन से वाले क्वेश्चन फीजिबल है कौन से वाले नहीं है सात लाइन के पैराग्राफ पे आपको फंसना नहीं है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट अगर कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सात लाइन के होते हैं वो ईजी होते हैं उसको भी आप यू नीड टू हैव दैट यू नो स्ट्रेंथ इन साइड यू यू नीड टू स्कैन क्वेश्चन सो प्रॉपरली देट यू अंडरस्टैंड कौन वाले क्वेश्चन ईजी होते हैं कौन से वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं सो वो फिजिबिलिटी एनालिसिस हो जानी चाहिए क्वेश्चन पढ़ के विद इन द फर्स्ट टेन टू फिफ्टीन सेकेंड्स फॉर लेंदियर क्वेश्चन चलो ट्वेंटी सेकेंड्स बट ऐसा नहीं कि मैंने एक मिनट एक दे के पूरा क्वेश्चन पढ़ के मैं बोल रहा हूँ यार ये तो डिफ़िकल्ट है वो नहीं होना चाहिए फोर्थ टाइम मैनेजमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट डो नॉट टेक थिंग्स ऑन योर ईगो ऐसा नहीं है कि यार मैं तो कर ही लूँगा डी मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है डी आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग वेन आई टुक दी एग्जाम अगर आप लोगों को आप देख सकते हो ट्वेंटी एटीन का जो आई एफ टी एग्जाम हुआ था उसमें जो डी आई का आपका पेपर uh, था इट वॉज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट आई गेस कट ऑफ कुछ वन मार्क या जीरो पॉइंट थ्री थ्री मार्क का था ऐसा ही बहुत कम कट ऑफ था विच वॉज इक्वल टू वन वन क्वेश्चन वन एंड हाफ क्वेश्चन इट वॉज दैट डिफिकल्ट मेरा डी बहुत स्ट्रांग है बट मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा कि यार ईगो पे ले लूँगा क्वेश्चन नहीं डी आई तो सॉल्व करके रहना अगर होता ना तो मैं आई एफ टी क्लियर ही नहीं कर पाता दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑफ योर एवरी एस्पिरेंट टू अंडरस्टैंड ये आपको खुद से समझना पड़ेगा लास्टली जी के को प्लीज़ इग्नोर मत करो पढ़ लो एंड कोई भी अननेसेसरी रिस्क जी के में मत लेना मैं एक छोटा सा टिप दे देता हूँ जीके में कुछ कुछ क्वेश्चंस पे लॉजिक हेल्प्स यू सॉल्विंग आईएफटी वाले जीके क्वेश्चंस फॉर वेरी सिंपल एग्जांपल मैं जब एग्जाम दे रहा था देर वाज दिस यू नो लोगोज वर्सेस ब्रांड के टैगिंग एक एयरप्लेन वाला लोगो था एक एयरप्लेन वाला ब्रांड था यू डोंट नीड जी टू अंडरस्टैंड विच लोगो वुड गो टू विच ब्रांड राइट फॉर दिस क्वेश्चन सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू कीप योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इंटैक्ट डिफिकल्ट पेपर है ईजी पेपर है चलता रहेगा यू नीड टू बी स्ट्रीट स्मार्ट टू मेक श्योर आई एफ टी निकले यानी अगर आप ये करते हो आई एफ टी निकलेगा भी ठीक है सो दिस इज वॉट आई वुड टेल यू अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड से एनी क्वेश्चन दैर यू पीपल हैव जल्दी जल्दी पूछो आई हेल्प यू आउट विथ सॉल्विंग ऑल ऑफ दैम आउट जिन्हें का एक क्वेश्चन था एल आर टी आई शुड वी गो टॉपिक वाइज और पास्ट पेपर वुड सफाई देखो मेरे हिसाब से यू नो पास पेपर इज इंपॉर्टेंट डेफिनेटली टॉपिक वाइज भी इम्पोर्टेंट है ठीक है सो आई वुड से टॉपिक वाइज कर लो पास्ट पेपर से समझ जाओ कि कौन कौन से काइंड ऑफ क्वेश्चन आते हैं उसके बाद यूड हैव अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ कैसे टारगेट करना है अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन टाइप योर अफेयर विद दैट क्वेश्चन टाइप कौन से आपको पसंद आता है कौन से नहीं आता है एंड टाइम मैनेजमेंट जीके का यार कोई सोर्स तो आई वुड नॉट सजेस्ट मैंने आपको क्वेश्चन टाइप्स बता दिए आप आपको पास्ट ईयर पेपर्स देखने के बाद वो पता भी चल जाएगा आई वुड से यू कैन गेट अराउंड दोज एंड यू नो सोल्व दम आउट एनी अदर क्वेश्चन अगर आपको है प्लीज लेट मी लेट मी नो एंड आई बी हैप्पी टू एंसर दैट ओ बी सी मेल इंजीनियर हाउ मच शूड यू एम देखो अगेन आई विल टेल यू कट ऑफ्स के बारे में ऐसे मत सोचो क्वेश्चन को पेपर को पेपर के टर्म्स पर देखो अगर लेट से मैंने बोल दिया स्टूडेंट uh, की हंड्रेड कट ऑफ है फॉर एग्ज़ाम्पल क्या आप हंड्रेड पर रुक जाओगे नहीं राइट कट ऑफ ले कर एग्जाम पर मत जाओ एग्ज़ाम पेपर देख के अपने दिमाग में सोचो कि कैसा अटैम्प्ट करना है इज़ वॉट आई विल टेल यू कट ऑफ ले कर एग्जाम पर जाओगे बहुत गंदे तरीके से यू नो प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है वॉट इज द स्कोर दैट नीड्स टू गो इन टूटी आशीष यार इट डिपेंड्स सो इट इट्स समवेयर अराउंड वन ट्वेंटी वन थर्टी का अराउंड रहता है बट अगेन डिपेंड करता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी के ऊपर मैं बोलूंगा जो भी कट ऑफ है फॉर एग्जाम्पल अगर हंड्रेड कट ऑफ हुआ ट्राई टू ब्रिंग ब्रिंग अराउंड फिफ्टीन ट्वेंटी परसेंट अगर एक्स्ट्रा आ जाता है ना भाई गेटिंग इन टू डेली बिकम्स वेरी ईजी क्योंकि लॉट परसेंटेज ऑफ देयर यू नो दिस इंटरव्यू में जो आपका होता है आई एफ टी स्कोर का वेटेज बहुत ज्यादा होता है सो दैट इज वॉट यू शुड बी टारगेटेड ठीक है सो आई होप सेशन आप लोग को अच्छा लगा अच्छा लगा आठ बजे से मैं एक और सेशन लूंगा स्नैप के ऊपर मैं आप लोग को ये बताऊँगा कि स्नैप का जो पेपर है एक घंटे में आप कैसे उसको अच्छे से दे सकते हो ताकि वो निकले ठीक है विल टॉक अबाउट स्नैप एज वेल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी थिंग विल विल टेक दैट आउट इन दैट सेशन ठीक है आई सी यू इन इन द अदर सेशन एंड टिल देन ऑल द बेस्ट अच्छे से प्रिपेयर करो जेन्युनली प्रिपेयर करो गिव योर बेस्ट आई एम वेरी वेरी श्योर अगर आप जेनुइनली प्रिपेयर करोगे एंड अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे एग्जाम आप आसानी से निकाल लोगे चलो ऑल द बेस्ट एवरी वन एंड आई सी यू अगेन बाय बाय